दोस्तों फाइनली ओप्पो की तरफ से नया अपडेट निकल कर आ चुका है। ओप्पो अपना न्यू स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 10 बहुत जल्द जो है इंडिया में लॉन्च करने वाला है और वो लॉन्च डेट दोस्तों यहाँ पर 10 जुलाई हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर हम हमेशा की तरह बात करेंगे या जो स्मार्टफोन है इसमें क्या क्या फीचर्स स्पेसिफिकेशन जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है सब कुछ डिटेल्स में, तो लाइक करके यार वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर शुरू करते हैं डिजाइन और बिल्ड से। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पीछे की तरफ इस स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ एक फ्रंट कैमरा यहाँ पर जो है आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और शायद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोगों को जो है चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा और स्पीकर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को 6.7 इंच का एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसका रिफ्रेश रेट होने वाला है 120 हर्ज। और दोस्तों यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है 394 PPI यहाँ पर जो है पिक्सल डेंसिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर 950 nits यहाँ पर ब्राइटनेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो यहाँ पर जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है और इसका जो एंटीट्यूड स्कोर निकल कर आता है दोस्तों वो 5 लाख प्लस एंटीट्यूड स्कोर निकल कर आता है। दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं रैम और स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पर जो है अप टू 8 GB रैम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 256 GB इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो यहाँ पर जो है एंड्रॉइड वर्जन 13 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और कस्टम UI की बात करें तो यहाँ पर जो है कलर OS UI यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर जो है 4600 mAh का यहाँ पर बैटरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 50% चार्ज जो है 11 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पर जो है डुअल सिम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, नैनो प्लस नैनो, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर दो सिम इजीली लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जो है 5G इंडिया के अंदर ऑब्वियसली यार सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कैमरे की। तो यहाँ पर जो है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है 64 MP का प्लस 8 MP प्लस जो है यहाँ पर आप लोगों को 32 MP कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पर जो है 32 MP का फ्रंट कैमरा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में ये सारे स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वैसे तो ऑफिशियली यार कहीं पर बताया नहीं गया है, बट फिर भी यार ये सारे स्पेसिफिकेशंस इस स्मार्टफोन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की। तो इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या होने वाला है आप लोग यार नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मेरे को लगता है 30,000 के आसपास जो है इसका प्राइस होने वाला है। आपको क्या लगता है अपना राय जो है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो यार एक लाइक कर देना यार, इतना ही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।